प्लस ये बात है कि एक दफा जो उसने खाना होता है ना वही खाता है, ऑयल हो रहा है। और खाने में आज ही बनाया है चिकन आलू, कल गोभी और आलू बनाए हुए थे, आज फिर चिकन आलू बनाया है। और बच्चे आएंगे तो बस रोटी बनेगी, आटा जो है वो भी हमने ढूंढ लिया, ये ताज़ा वाला जो बीच में होता है ना, तो कम से कम ना इतनी बड़ी ना मैं प्लेट लगा देती हूँ, मतलब सिलाई मशीन के साथ ना, फिर एक तो गला भी छोटा हो जाता है और दूसरा जो है ना जो थोड़े जो स्लीव्स है ना वो भी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चे जी उठ गए हैं और ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। अभी मैंने मुकद्दस को उठाया है क्योंकि इसकी आज छुट्टी थी और कल इसका पेपर था और आज ना इनका ना ऑनलाइन मतलब था लेक्चर होना ना, तो मैंने फिर इसको सुबह उठाया नहीं क्योंकि मुझे ये था कि मैंने आना फिर स्कूल जाना है, तो मुझे इतनी खास रात को नींद भी नहीं आई। सुबह फिर मैं जल्दी उठ गई थी तो इनके लंच भी बना लिए सब का, मैंने नाश्ता वगैरह भी बना लिया। मुकद्दस को भी उठाया, मैंने कहा उठ जाओ फिर हेल्पर ने पीछे से आ जाना है, तो मैंने तो उधर स्कूल में होना है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए आज आमना के स्कूल जाऊंगी, बस वहाँ पे तो आपको पता है कितनी अच्छा नहीं लगता क्लिप लेने का, वहाँ से होके आती हूँ तो फिर इंशाल्लाह जो क्लिप शूट करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी आपने वीडियो में मेरे साथ करना अभी जी। दूध आया था तो दूध बॉयल हो रहा है और खाने में आज ही बनाया है चिकन आलू, कल गोभी और आलू बनाए हुए थे, आज फिर चिकन आलू बनाया है। और बच्चे आएंगे तो बस रोटी बनेगी, आटा जो है वो भी हमने ढूंढ लिया, ये ताज़ा आटा गूंद के रखा है। मैंने कहा आएंगे ना तो आते जाएंगे तो फौरन साथ में ना, आगे भी मैंने आपको बताया था कि गर्म गर्म रोटी बनाते हैं उनको देते हैं, शुक्र है अपना अपना इब्राहिम सैलेड वगैरह भी ले लेते हैं। और बाहर से सफाई यहाँ से तकरीबन हो गई है सारी, ठीक है, और रूम की भी हो गई है, बाहर से भी हो गई है, और अब बस वहाँ की सफाई चल रही है। और अम्मी जो हैं, अम्मी बस बैठ कर पढ़ रही थी। और यहाँ फिर जी ये मैं आमना का आपको दिखाती हूँ, ये इसके बाबा लेकर आए थे और इसके ऊपर इसने कलर किए हैं, पापा से लेकर रोज़ पैसे इसमें डालती है। और आप इसको अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हम तो गुल्लक कहते हैं, और इसमें लेकर ना कॉइन डालती है, पैसे इतने नहीं लेती, कहती है कॉइन दें, वो मैंने इसमें डालने। और मैं आपको अंदर की सूरत हाल भी दिखाती हूँ। अंदर जी ये लियो है, यहाँ से बस चीज़ें वगैरह संभालने वाली हैं। मुकद्दस असल में सो रही थी, आज उसे छुट्टी थी, मेरा पर्स सिर्फ उठाने वाला है वहाँ से। एक दफ़ा रूम की सफाई हो गई है और ये लियो के कौन देखें, इसका मुँह देखें काला। और ये पता नहीं मैं गई हुई थी पीछे, ये मेरे ख्याल में वो हमारा चूल्हा छोड़ता है ना, तो वो नीचे देश की पड़ी हुई थी, ये मेरे ख्याल में किचन में ना उतर लेटा रहा है और कह रहा है मुझे हौस भी ना, खो जाओ ना तुम्हें, तुम्हें भी चटनी बनाओ, खो जाओ ना चटनी बनाओ, खो वहाँ से मुँह के ऊपर भी कालक लगी हुई है, ये देखें पता नहीं कि तुम मुँह काले करांदा रहा है। मैं गई हुई थी तो क्या कर लेती पीछे से, क्या कर लेती पीछे से, देश की पड़ी। ये जी अब लियो के खाने की तैयारी हो रही है, लियो के दो चिकन के पीस ना डेली के मतलब बॉयल करके ना हल्के से, तो उससे छोटे छोटे पीस करके तो बना के तो डाल देते हैं। अभी वो सो रहा है तो मैंने कहा साथ में उसका ना चिकन भी बॉयल कर लेते हैं, उठेगा तो फिर फौरन से खाता ही। इसके काम उठता गया है फौरन ये डालते गए हैं ना, सो स्मेल आ जाती है, सो पीटो में आप खाएगा। नो लेकिन माशाल्लाह इसकी ये बात है कि एक दफा जो उसने खाना होता है ना वही खाता है, मतलब ज्यादा नहीं खाता, छोड़ देता है बैठा के फिर खा लेता है। ये जी सीन बंदे आ गए हैं स्कूल से, खाना खा रहे हैं। अच्छा ये आजकल ना ये जो सैलेड है ना, मतलब खीरा और टमाटर, ये इब्राहिम खाता है साथ में, इसको आजकल ये शौक आए हैं मैं खाने के। और बस आज चिकन आलू जैसे कि मैंने आपको बताया था वो बनाया हुआ था, साथ में थोड़ा सा गोभी वाला सालन था वो साथ में दिया। बच्चे आए हैं अभी, इनको गर्मी लग रही है इसलिए फ़ैन ऑन किया हुआ है। मुकद्दस की क्लास हो रही है ऊपर, वो ऊपर चली गई है इसलिए वो अब खाने पर मौजूद नहीं है, तो बस हम इधर खाना खा रहे थे, बस यही बनाया साथ में, कोई नहीं चटनी शटनी भी कोई नहीं बनाई, खाते ही कोई नहीं है, बच जाती है, फिर मैंने आज बनाई कोई नहीं, मैंने कहा चले ऐसे गुजारा करते हैं। अब इंशाल्लाह टमाटर वाली कल बनाऊंगी चटनी, वो इनको पसंद है। अम्मी क्या कर रही हो, ये जी इस टाइम पे खेड़ियाँ हो रही हैं, आज इतनी सख्त वाली धूप निकली हुई है ना, बच्चे आते गए हैं इनको इतनी गर्मी लगी है, तो फौरन से इन्होंने पानी पिया और खाना खाया। निन्नो बैग इनके अभी वो रखे हुए हैं, अभी इनके असल में लंच बॉक्स वगैरह निकालने हैं, तो मैंने कहा वो निकालती हूँ।
ये जी बच्चे तो बाहर खेल रहे हैं और कहता है यहाँ पे अपना काम लगी हुई है। अच्छा ये ना रमज़ान से पहले मैंने इनमें पानी डलवाया था और लिक्विड इनका पता है ड्राई हो जाता है, तो ये मुकद्दस अपने सारे लेंसेज वगैरह चेक कर रही थी। अभी अभी ये किसने निकाला है, कहती मामा मैंने वीडियो बनानी है तो ये मुझे चाहिए। और क्या हो रहा था? कुछ नहीं, ऊपर मैं लेक्चर ले रही थी, साथ वीडियो वगैरह डाली है। अब मेरा दिल है कुछ बना लूँ, कल पेपर है, पढ़ना भी है, जो होता है साथ साथ करते रहते हैं। और ये है कि मुकद्दस जो थी वो घर पे थी और टाइम से ही फारिग हो गई थी। और ये जो नन्नो मन्नो है ना, इसने उधर बिस्किट रखे हुए हैं और वहाँ से खाती है और फिर वो जाके फिर साइकिल इतनी देर में साइकिल चलाती है। और अच्छा मुकद्दस वो ना नेल्स का कहना था, वो मैंने आगे भी आपको कहा है ना कि एक नेल्स की ना वीडियो बनानी है। अच्छा ठीक है, मैं एक दो दिन में कोशिश करती हूँ। आपके तो वैसे इंस्टाग्राम पे है, मेरे यूट्यूब पे भी है। हाँ यूट्यूब पे भी है, टिकटॉक पे भी लगाई। वो थोड़ी सी ना आराम से बना के ना जैसे लगाते हैं ना नेल्स लगाने का तरीका, अगर ग्लू के साथ या वो स्टिक ऑन क्या होता है वो स्टिकर जो होता है उसके साथ ना जैसे वो लगाते हैं ना वो लगाना, क्योंकि मेरे तो नेल बहुत ग्रोथ होती है तेज, मैंने तो कभी भी नहीं लगाई है, मेहंदी सारी खराब हुई है। अब मेरा दिल है ये उतार दो, तुम्हारी तो मेहंदी उतर गई होनी है। मतलब काम तो तू कभी किया नहीं है, तेरी मेहंदी की मैं ले गई है, मैंने तो दस सर है बस ले गई, मेरी फिर हले लगी गई, हालांकि मैं काम नहीं करती हूँ, तू भांडे धोनी है इस वास्ते। ये जी लास्ट ईयर दिए थे बड़ी फाकरा में, आमना को दिए थे तो, लेकिन आमना को ना उस टाइम ये बड़ा था। अच्छा इसके नीचे बड़ा प्यारा ना शरारा है बना हुआ ना, तो ये अभी कपड़े निकाले हैं और प्रेस किए हैं ना, तो अब मैं कह रही थी कि भाई ना बड़ा प्यारा सा दुपट्टा भी है बीच में ना, तो ये बड़ा प्यारा इस तरह से शरारा है कलरफुल सा ना, और बड़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी देखें स्लीव्स वगैरह पे हुई हुई है और दुपट्टा भी है, लेकिन इसकी जो नेक है ना वो बहुत बड़ी है। अच्छा मैं क्या करती हूँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप क्या करते हैं। मैं तो इस तरह से करती हूँ कि ये पीछे से इकट्ठा इस तरह से पकड़ लिया ना, मतलब सिलाई पे सिलाई रख के, तो ये वाला जो बीच में होता है ना, तो कम से कम ना इतनी बड़ी ना मैं प्लेट लगा देती हूँ मतलब सिलाई मशीन के साथ ना, फिर एक तो गला भी छोटा हो जाता है और दूसरा जो है ना जो थोड़े जो स्लीव्स है ना वो भी ऊपर वाली साइड पर चले जाते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। इसके स्लीव भी छोटे करने हैं क्योंकि स्लीव भी इसके ना बहुत ज़्यादा खुले हैं, बच्चों के हिसाब से नहीं है मशाला हेल्दी है, तो फिर वो उसको ना मैं फिर खुले खुले कपड़े पहनाती हूँ। और ये लास्ट ईयर राजा ने दिया था और इसका भी ना नेक बहुत बड़ी है आमना के लिए ना, तो इसकी भी आगे मेरा दिल है को हुक लगा देती हूँ इस तरह के। ये अभी छोटे छोटे काम निकाले हुए हैं। अच्छा कपड़े निकाल रही हूँ, प्रेस वगैरह कर रही हूँ और साथ साथ फिर इस तरह के काम निकलते आ रहे हैं, फिर समझ आ रही है कि अभी इसका क्या क्या करने वाला है। और भी आमना के हैं एक दो सूट जिनके बटन वगैरह टूटे हुए हैं जैसे यूनिफॉर्म वगैरह के, वो भी लगाने वाले हैं। अब वो मैं कैसे इकट्ठी अब सिलाई मशीन रखती हूँ तो ये वाले भी काम आप साथ साथ में करती हूँ, क्योंकि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, साथ साथ में कपड़े भी निकल रहे हैं और अच्छी खासी गर्मी हो गई। अच्छा धूप निकलती है तो बहुत गर्मी हो जाती है, लेकिन जब मौसम मतलब होता है ना थोड़ा बहुत बादल बनते हैं या बारिश होती है तो काफ़ी मौसम अच्छा भी हो जाता है, तो बस आजकल तो यही काम चाहते हैं। तो बस जी अभी खाना वगैरह खा के फारिग हुए हैं हम कदस आगे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से एडिटिंग करते हैं। अच्छा छोटे मोटे सारे जो ब्रेक लिख छूट गए थे वो आपके साथ शेयर किए हैं। आमना के स्कूल गई थी उधर, बस आपको पता है कि चक्कर लगाना चाहिए बच्चों के स्कूल में भी ना, मतलब थोड़े बहुत जो इशू होते हैं वो साथ साथ अगर बंदा बात कर ले उस पर तो माशाल्लाह बच्चों की फिर पढ़ाई अच्छी चलती रहती है। तो बस उसी सिलसिले में मैं गई थी और बस अभी बच्चे पास आमना इब्राहिम भाई दोनों खेल रहे हैं, तो अभी मतलब 3 बज रहे हैं, तो बस अभी मैंने कहा थोड़ी ऐसे करती हूँ कि फारिग हो गए ना तो थोड़ी देर के लिए सो लेटती हूँ। तो चले उम्मीद करती हूँ कि आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।